हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अजीत फाउंडेशन क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका दोस्त सत्यजीत सिंह। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों पर सेपरेट स्टडी की थी। पूरे जितने भी पॉसिबल इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं उसको मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया। देन फिर एक वीडियो में हमने पूरा का पूरा आउटपुट डिवाइसेस, उसमें भी स्पेशल तौर से अगर देखा जाए तो प्रिंटर के टाइप, जो कि एक आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है, उसको हमने कवर किया। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आप लोग को ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है इसको बढ़िया से रिविज़न करके रखना है। जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं दैट विल बी सफिशियंट, और जो वीडियोज आप लोग जो स्टूडेंट इसको पूरे डिसिप्लिन से देख रहे होंगे उनको पढ़ते समय भी ये भरोसा होते जा रहा होगा कि हाँ सर ये सफिशियंट है, कहाँ ही अब इससे बाहर क्वेश्चन पूछा जा पाएगा। तो चलिए, हर सेशन के दौरान जब भी मैं थ्योरिटिकल बातें आप लोग के बीच में रखता हूँ, थ्योरीज को हम लोग टाइमली रिविज़न करके जब पढ़ लिए रहते हैं तब उसके बाद हम उस पर करते हैं MCQ प्रैक्टिस। तो अब हम लोग की बारी है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हमने पढ़ रखा है उस पर MCQ लगाने की। तो चलिए, आज के हमारे वीडियो का यही थीम रहेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने मिलेंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोग इसको पहले से कंप्लीट करके बैठे हुए होंगे। तो जैसे ही बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा, फिंगर फर्स्ट KBC में चलता है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला, वो वाला सीन होना चाहिए। ऑप्शन दिखते ही धाएँ से आंसर आना चाहिए, फिर मैं उसको बताऊँगा, आप लोग को उसको मैच करना है, आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर गलत हो रहा है तो अपनी कमियों को स्वीकार करना, फिर और रिवीजन करना, ठीक है। इसी चीज़ को चाहते तो टेस्ट के मोड में भी रख सकते थे, बट ऐसे जब मैं सामने क्वेश्चन लेकर आता हूँ तो उसमें क्या है, कुछ कुछ नई बातें भी पता चलती हैं, वो हमारे लिए, हमारे तैयारी के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और हिंदी या हो या इंग्लिश हो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको देख के डरेंगे नहीं, क्योंकि मोस्टली जो टर्म्स रहते हैं वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ही रहते हैं, बाकी मैं लिटरेट कर दूंगा इंग्लिश में। क्या कुछ पूछा गया था कि डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब डेस्कटॉप पे प्रिंटिंग के लिए बेसिकली किस प्रिंटर का यूज़ किया जा रहा है। तो आप सब लोग जानते हैं कि डेस्कटॉप जो हम यूज़ करते हैं या लैपटॉप जो हम यूज़ करते हैं घरों में, उनसे कनेक्टेड बेसिक जो प्रिंटर रहते हैं, तो भैया वो तो नए जमाने के प्रिंटर होने चाहिए। अब प्रिंटर में हमने देखा था प्रिंटर तीन प्रकार के, पहला कौन था, कैरेक्टर प्रिंटर, जो एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करता था, उसकी स्पीड किस में ली जाती थी, उसकी एफिशिएंसी किस में ली जाती थी, CPM कैरेक्टर पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकेंड। एक हमारा क्या था, कैरेक्टर प्रिंटर, और ये दोनों ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये लोग कैरेक्टर प्रिंटर के ही एग्जाम्पल है। फिर एक हमारा क्या आता था, दैट वाज द लाइन प्रिंटर, जो एक टाइम में एक पूरा का पूरा लाइन कवर करता था, जिसके एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया था क्या, चैन प्रिंटर था, ये लिख लिए रहो कहीं पे, ठीक है। लाइन प्रिंटर जो हमने पढ़ा था, लाइन प्रिंटर, इस लाइन प्रिंटर में कौन कौन से एग्जांपल आए थे याद आ रहा है, ठीक है, इसमें हमने क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े थे, तो भैया इसमें हमने पढ़ा था चैन प्रिंटर के बारे में, ठीक, फिर हमने पढ़ा था इसी में बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है, ड्रम प्रिंटर, और मैंने ड्रम प्रिंटर के बारे में बताया था कि मैंने इस पर काम भी किया है, इसी से पूरा बुक स्टडी मटेरियल सब तैयार होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था दैट वाज पेज प्रिंटर, जिसकी एफिशिएंसी पेज पर मिनट कंसिडर की जाती है, और आजकल इतने हाईटेक पेज प्रिंटर आते हैं जो कि 150 पेज तक, ऐसा 400 मत मान लेना, एक मिनट में प्रिंट करके निकाल के दे सकते हैं। लाइन प्रिंटर में एक पूरा लाइन, कैरेक्टर प्रिंटर में कैरेक्टर वाइज काम होता है, इसकी स्पीड सबसे कम होती है, और ये 30 से लेकर 600 कैरेक्टर ही एक सेकंड में कंसीडर कर सकता है, सॉरी एक मिनट में। लाइन प्रिंटर लाइन करेगा, और तीसरा आता है पेज प्रिंटर। हम लोग को नॉर्मल जो डेस्कटॉप में मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो सबसे अपडेटेड वाला, सबसे फास्टेस्ट वाला यूज़ करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर किसका एग्जांपल है, तो लेज़र प्रिंटर पेज प्रिंटर का एग्जांपल है, यहाँ लिख लेना, लेज़र प्रिंटर किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है पेज प्रिंटर का, ठीक है। इसके अलावा घरों में हम लोग इंक जेट प्रिंटर भी यूज़ करते हैं, और इंक जेट प्रिंटर
या थर्मल प्रिंटर वो किसका एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल हो जाता है कैरेक्टर प्रिंटर का। तो मैंने इस एक सवाल के अंदर कम से कम 5-6 नए इंफॉर्मेटिव डाटा बताया। आपको प्रिंटर को 3 भागों में बांटना है, हर भाग का कैरेक्टर, लाइन और पेज, हर सबके मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए कि इसके क्या क्या एग्जांपल आएंगे। तो इसमें डेली व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डॉट प्रिंटर, गोल बॉल प्रिंटर, ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं वो सब क्या है, कैरेक्टर के हैं। लाइन के एग्जांपल क्लियर है और लेज़र जो प्रिंटर है वो सबसे एफिशिएंट पेज प्रिंटर का एग्जांपल है। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए कि ये आप लोग का टेस्ट ही चल रहा है। ठीक है, बस इस टेस्ट का फायदा ज़्यादा है कि इस टेस्ट में आपको इमिडिएटली क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा और आपका पूरा पढ़ा हुआ रिविज़न भी होगा। तो यही फॉर्मेशन हम लोग, यही फॉर्मेट मेंटेन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिपरेशन को रिजल्ट में बदलना है भाई। ठीक है, और मैं ईमानदार इंसान हूँ, टीचिंग एस्पेक्ट को लेके काफ़ी ईमानदार इंसान हूँ मैं। ठीक है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। इनफैक्ट जो वीडियोस जो लोग ऐप पे देख रहे हैं उनको पता ही है कि भैया इससे बाहर नहीं आने देंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से दाएं सेंसर उड़ाओ कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइसेस में मैंने पूरा बताया था, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस, लाइट डिवाइस, सब कुछ बताया गया था। तो विच वन इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन है माउस, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल पेन और स्कैनर। तो भैया ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट करके इंस्ट्रक्शन में हम लोग जा सकते हैं। स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट है, और एक एक को, माउस को, ऑप्टिकल पेन को, सबका डायग्राम दिखा दिखा के आप लोग को सारी चीजें बताई गई थी ना, याद आ रहे हैं ना। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसको चेक करने के लिए किसको यूज किया जाता है, OMR। OMR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बारकोड है, माइकर है और ऑप्टिकल है। तो भैया OMR का ही तो यूज करते हैं हम लोग, पूरा प्रोसीजर पढ़ाया था मैं इसका। OMR शीट आप लोग को दिया जाता है ना, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो ऑफलाइन मोड में, तो आप उसमें बबल करते हो, तो OMR क्या करता है, लाइट का एक स्पेक्ट्रम उस पर एमिट करता है, फिर वहाँ से जो बबलिंग रहती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस मेन प्रोग्राम में आता है, वहाँ से फिर वो चीज़ों को रीड कर पाता है और आपका आंसर शीट चेक होके निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। डिजिटल कैमरा में क्या उपयोग होता है, LED, ठीक है, फोटोडायोड, ऑप्टिकल फिल्म और ऑप्टिकल पेन। भैया ऑप्टिकल फिल्म, ऑप्टिकल पेन ये तो इक्विपमेंट है, दूसरे अलग अलग टाइप के डिवाइसेज हैं, LED भी अलग डिवाइस है। क्या यूज होता है, तो वहां पर होता है फोटोडायोड। फोटोडायोड अपने आप में फिजिक्स का एक पूरा प्रिंसिपल है डायोड का, और वही डिजिटल कैमरा में यूज होता है। नेक्स्ट आता है, ठीक है, कि कंप्यूटर का समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कंप्यूटर में टोटल सारा का सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन देखना है उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करना है, तो आउटपुट डिवाइस यूज़ करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस दो टाइप से दिखाती है इन्फॉर्मेशन को, आइदर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी के लिए आप लोग प्रिंटर, प्लॉटर ऐसे डिवाइसेज यूज़ करेंगे। सॉफ्ट कॉपी के लिए आप लोग को याद आ रहा है आप प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, मॉनिटर यूज़ करते हैं। तो ये देखो, ये तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, CPU और ALU तो भैया कंप्यूटर का मेन पार्ट है, CPU का है ना जी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जहां पर आप लोग को डाटा प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन बने रहेगा वो दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सारे डियर स्टूडेंट अभी तक के जितने क्वेश्चन हुए हैं सबके आंसर सही लगा रहे होंगे, भरोसा कर सकता हूं ना मैं। ठीक है, पढ़े होगे तो भैया जरूर लगा रहे होगे, और कॉन्फिडेंस भी राइज हो रहा होगा कि हाँ यार इतना तो बन रहा है, अब हो गया ये टॉपिक, इसके बाद अगला टॉपिक भी ऐसे ही खत्म। एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे रहेगा कि एकदम बूमर चबाते हुए जाओगे, अरे पेपर ही तो देना है, 50 से 50 लेकर आना है। ठीक है, ये 150 में 150 ला, मैं कौन सा बुरा मानने वाला हूँ। निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, विच आर द फॉलोइंग कंटेंट्स ओनली इनपुट डिवाइसेस। माउस, चलो इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर तो आउटपुट हो जाता है, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट हो जाता है, माउस प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट हो जाता है, मॉनिटर भी आउटपुट ही है, माउस कीबोर्ड स्कैनर, दिस ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, डी। और मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं।
स्कैनर स्कैन करता है, ठीक है, पिक्चर को, केवल टेक्स्ट को, या पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। तो भैया स्कैनर की खास बात है, ये पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को ही स्कैन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को याद रखेंगे सभी लोग, मॉडिफायर कहते हैं कि फंक्शन कहते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं कि नन ऑफ दिस, तो दैट्स फाइनल आंसर इज मॉडिफायर। क्योंकि बड़े सारे टूल्स में इन बटन्स को यूज़ करके हम लोग कुछ नए नए प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं, तो ये बड़े हेल्पिंग होते हैं, इसलिए इनको हम लोग मॉडिफायर मतलब एक एप्लीकेशन को और ज़्यादा मॉडिफाई करने में काम आते हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स प्रोवाइड करते हैं। OCR का पूरा नाम मैंने बार बार बोला है, फुल फॉर्म को अच्छा रखना है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, RAM रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोलेंगे कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडेंसिंग बोलेंगे कि ऑप्टिकल कैरेक्टर, ये रिपीट करिए, अच्छा अदर। तो OCR का पूरा नाम क्या है, इसको एक्चुअल में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाएगा, क्लियर है, बताया जा चुका है, इसको पूरा डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कैसे फंक्शन करता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो याद रखेंगे, आउटपुट और इनपुट डिवाइस अगर बात किया जाएगा तो दैट इज मॉडेम, ठीक है, मॉडेम भी उस पर कनेक्टेड रहता है आपका मदरबोर्ड पे, और वो आउटपुट इनपुट दोनों ही डिवाइसेस का रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? कंप्यूटर पूछता तो चार्ल्स बेबेज आ जाते हैं या एलन ट्रूलिंग आ जाते हैं आधुनिक कंप्यूटर के लिए ट्यूरिंग। अब नेक्स्ट हमसे पूछ दिया है कंप्यूटर का माउस, ये कंप्यूटर वाला जो चूहावा है गणेश जी हैं वो कौन बनाया था? तो याद रख लेंगे उनका नाम था एंजलबर्ट, तो डगलस एंजलबर्ट, ठीक है। डगलस नाम याद रखना, डॉग को क्या पसंद है? माउस, तो डगलस क्या बना दिया? माउस बना दिया, ठीक। चूहा देखते तो कुत्ते लोग कैसे दौड़ते देखते हो ना, पूरा टैलेंट दिखा देते अपना। चलिए नेक्स्ट, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस, क्या होती है पेरिफेरल डिवाइसेस? जो मदरबोर्ड पर एक्सटर्नली किसी पोर्ट के थ्रू अटैच किए जाते हैं, है ना। शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मतलब पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बिल्कुल सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मदरबोर्ड पे या कंप्यूटर के सीपीयू से जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हम लोग या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी अटैच करते हैं उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस या पेरिफेरल इक्विपमेंट, ओके, लाइक माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, USB, सब पेरिफेरल में ही कंसिडर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइसेस का है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली रिप्रेजेंट द आउटपुट डिवाइसेस? तो क्या आंसर हो जाएगा भैया? स्कैनर तो इनपुट होता है, खत्म, कीबोर्ड इनपुट होता है, खत्म, माउस इनपुट होता है, खत्म। तो हमको क्या मिला? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, वैसे भी ये लोग आउटपुट डिवाइसेज ही हैं। प्लॉटर और मॉनिटर सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइसेज है, या सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज है, और प्रिंटर क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट है, टच स्क्रीन क्या है? तो भैया टच स्क्रीन अपने आप में इनपुट डिवाइसेस है कि आउटपुट डिवाइसेस है? कि ऑप्शन दे रखा है, ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है, केवल आउटपुट है, केवल इनपुट है, कि दोनों है? तो ध्यान समझो, हमारा ये जो इंटरेक्टिव पैनल है दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग अ टच स्क्रीन। अब अगर ये टच स्क्रीन है, ठीक है, मान लो मुझे इसमें ब्राउजर ओपन करना होगा तो मैं उस पर कुछ ना कुछ तो डालूंगा ना, मान लो मुझे कोई जीत फाउंडेशन का ऐप ओपन करना है क्योंकि इसमें एंड्रॉयड सेट है, तो जीत फाउंडेशन में इनपुट डालूंगा, तो ये इनपुट डिवाइसेस का भी रोल प्ले किया क्योंकि इसका जो अंदर का सीपीयू है वो उस इंस्ट्रक्शन को ओबे करेगा और आपको वो रिजल्ट ला के दिखाएगा। दूसरा काम ये है कि मैं इस पर कुछ लिख सकता हूँ, इस पर मैं ABCD कुछ भी लिख सकता हूँ, और ये ABCD जब लिखा जा रहा है तो ये आपके लिए एक मॉनिटर का रोल प्ले कर रहा है जो आपको एक आउटपुट की तरह दिखा रहा है। मतलब इसमें इनपुट भी डाला जा सकता है जिसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिखाया जाएगा, और इसमें डायरेक्टली आपको एज अ रिजल्ट के तौर पे आउटपुट भी शो किया जा रहा है। तो ये इनपुट भी हो रहा है, ये आउटपुट भी हो रहा है, तो इसका फाइनल आंसर क्या है? टच स्क्रीन जो रहता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस का काम करता है। ठीक है?
ठीक है, जैसे मोबाइल का भी जो टच स्क्रीन है उसमें आप इनपुट भी डाल सकते हो, और मोबाइल के टच स्क्रीन से आप लोग उसको एज अ मॉनिटर यूज़ कर रहे हो तो वो आउटपुट डिवाइसेस भी है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। कई बार ना आप हर चीज़ को रट नहीं सकते, कई बार आपको सोचना है, सोचने से चीज़ें आराम से सही होने लगती हैं। और मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आपके अंदर वो जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसको मैं बिल्डअप कर सकूँ, कि आप एक बार चीज़ों को सोचने लगेंगे ना, चार ऑप्शन में से एक तो सही है ही, आंसर आपके सामने रखा हुआ है, बस आपके अंदर इतना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए कि वो राइट आंसर आपको ना सही दिख जाए, अब वो ग्रीन सिग्नल में चमकने लग जाए, बस आपको उसको क्लिक करना है सिलेक्शन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, तो कौन सा होगा भैया, माउस, वो जो चुहावा रहता है वही तो इनपुट है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हो गया, 16th नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे या खुद के मन में सोच के रख ली रहो। टेस्ट चल रहा है, लास्ट में अपना मार्क करना कि टोटल नंबर में से कितने क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए, जितने सही होंगे उसमें प्लस वन करना, जितने गलत होंगे उसमें माइनस हाफ करना। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा माइनस करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर तो इनपुट है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए जल्दी से ट्राई कर लीजिए सब लोग, सही हो रहा है गलत हो रहा है मार्क करते जाओ, 16 गलत हुआ तो क्रॉस करो, 17 सही हुआ तो राइट मारो, टेस्ट चल रहा है ऐसा महसूस करके चलिए भाई। तो प्रिंटर की इनपुट गुण का आकलन होता है, प्रिंटर के इनपुट गुण का आकलन होता है, तो ये होता है DPI, DPI सिस्टम है, दैट इज डॉट्स पर इंचेस, तो आंसर क्या हो गया, डॉट पर इंचेस, DPI। ठीक है, ये प्रिंटर क्या है, इनपुट गुण का आकलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं, किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, CPU के कि RAM के कि कीबोर्ड के कि पोर्ट्स के माध्यम से, तो हमने आप लोग को पढ़ा रखा था कि ये पेरिफेरल जो डिवाइसेस होती हैं इनपुट आउटपुट, वो कंप्यूटर में या उसके CPU में पोर्ट्स के थ्रू जुड़ती हैं, किसके थ्रू जुड़ती हैं, पोर्ट्स के थ्रू, और पोर्ट्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था सीरियल पोर्ट्स था, पैरेलल पोर्ट्स था और यूनिवर्सल पोर्ट था। सीरियल पोर्ट में दिक्कत क्या थी कि उसमें केवल 1 byte का ही डाटा शेयर हो पाता है, पैरेलल पोर्ट में लगभग 8 byte का डाटा शेयर कर सकते हैं, मतलब हम लोग वहाँ प्रिंटर यूज़ करते हैं पैरेलल पोर्ट में, और जो हमारा यूनिवर्सल सर्विस पोर्ट था तो उसमें हमने देखा था कि या यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, ओके सर्विस पोर्ट गलती से बोल दिया, USB बोलते हैं उसको, वो पैरेलल और सीरियल पोर्ट दोनों का ही अल्टरनेट है, मतलब उसमें माउस कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर अपना स्कैनर सब कुछ आप उसके साथ अटैच कर सकते हो CPU के साथ, ठीक है, या मदरबोर्ड के साथ, तो पोर्ट्स इसका सही आंसर आएगा। तो जिन्होंने भी पोर्ट्स आंसर किया होगा, हमेशा पहले वीडियो को रोको, चीटिंग नहीं चलेगी, खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो ना फिर तो आप लोग, ठीक है, हम तो वैसे भी देखने नहीं आ रहे, खुद के लिए ईमानदार रहो, आपका रिजल्ट देखने आप ही जा रहे हो, कोई और तो देख नहीं रहा है, तो मैं इधर मार दिया फिर आप सोचोगे अच्छा मैं भी तो यही सोच रहा था चलो मैं राइट मार देता, ऐसा नहीं चलेगा, आपने पहले वीडियो को रोकना है, पहले खुद से ट्राई करना है और अपने आंसर को लेकर ईमानदार रहना है, क्योंकि टेस्ट चल रहा है ऐसा मान के चलो, ठीक है, और टेस्ट आपकी परीक्षा है, आपका आकलन करती है, और हर टेस्ट में नंबर ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है ऐसा मत सोचा करो, जब टेस्ट सीरीज चालू भी होगा ना असली वाला, ये तो नॉर्मल वाला है, तो हर टेस्ट सबको देना है, कारण क्या है, क्योंकि टेस्ट इसलिए नहीं होता कि आप कितना नंबर पा गए, लोग क्या सोचेंगे, नहीं, आप भले ही 100 में 1 नंबर पाओ, कल तो 2 पाओगे, परसों तो 3 पाओगे, एक दिन 10 पाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा ना जिसमें 100 में आप 90-95 पा रहे होगे या 100 में 100 पा रहे होगे, तो टेस्ट का मतलब ही होता है सेल्फ इवोल्यूशन होते जाना चाहिए, आप इंसान पैदा हुए हैं, इवोल्यूशन की कड़ी हमने कई आयामों में तय की हुई है, तो टेस्ट भी उसी चीज़ का, परीक्षा भी उसी कड़ी का हिस्सा है कि भैया आज जितने नंबर आ रहे हैं अगले टेस्ट में खुद से कमिटमेंट करके रखो कि इससे तो ज़्यादा आएंगे, आज एक आए तो कल 2 आएंगे, भले 100 में क्यों ना, एक दाइन कंटिन्यू डेवलपमेंट की सोपान में बढ़ते जाओ, समय ऐसा आएगा जिस दिन आपके बराबर कोई खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये एटीट्यूड लाइए अपने अंदर, भागिए मत टेस्ट में, जीवन के किसी भी परीक्षा में मत भागिए, लड़िए, आज ही हारूंगा ना कल फिर हारूंगा परसों धूमधाम से हारूंगा पर हाँ हार हार के साथ सीखते जाऊंगा, और एक दिन जब मैं पूरी तरह से तैयार होकर सामने आऊंगा ना, इतना सीख गया रहूंगा ना कि फिर उसके बाद बोलते ना परिणाम शोर मचा देगा। चलिए भावनाओं में बह गया मैं, फिर से आगे आते हैं,
ऐसे बोलने से थोड़ा सा ऑड लगता है क्या, भावनाओं वाला? चलिए, आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग क्या है? स्कैन डाटा, इनपुट डाटा, आउटपुट डिवाइसेस है ना, डाटा को विजन करना या डाटा को प्रिंट करना। तो आपको पता है आउटपुट डिवाइसेस दो टाइप का है, या तो सॉफ्ट कॉपी वाला या तो हार्ड कॉपी वाला। सॉफ्ट कॉपी को हम लोग देख सकते हैं, विजन कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी वाले को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर 3 और 4, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। पहले से अटेंड कर लिए थे ना भाई, ठीक है, ये नहीं कि सर ये तो मैं सोचा ही था सर, नहीं चलेगा ऐसा काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम प्रिंटर किसका उदाहरण है? चलिए जल्दी से आप लोग इसको क्लिक करो, प्रिंटर को काफी डिटेल में पढ़ाया था मैं। तो ड्रम प्रिंटर किसका एग्जांपल है? इनपुट का, आउटपुट का, प्रोसेसिंग का, स्टोरेज का? भैया नाम में प्रिंटर आ गया, मतलब आउटपुट डिवाइस, ठीक है, क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सभी आउटपुट डिवाइसों का समूह है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेस, कौन है? ये स्कैनर आ गया, इनपुट हो गया, कहानी खत्म। कीबोर्ड आ गया, इनपुट हो गया, कहानी खत्म। माउस आ गया, इनपुट आ गया, कहानी खत्म। फाइनल आंसर शुड बी प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। अच्छा, ये लग रहा है क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, मार्क कीजिए अपने कॉपी में और चेक कीजिए कि आपने इसका क्या आंसर मारा, मार लिए, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट नहीं है भैया, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, टच स्क्रीन आउटपुट इनपुट दोनों है, पर इनपुट तो है, तो इसलिए इसको हम लोग इस ऑप्शन में से चारों में से डी वाला आंसर ज्यादा सही माना जाएगा, ठीक है, सबका सही हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 23 मार्क करो, उसका आंसर मार्क करो जल्दी से, कर लिया आप लोग? आइए, यह एक आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्शन में क्या दिया है? मल्टी फंक्शन प्रिंटर, प्रिंटर आया मतलब आउटपुट हो गया यार, फ्लैक्स मशीन, वेव कैमरा, प्लॉटर। तो भैया यहाँ पर प्लॉटर भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। जो फ्लैक्स मशीन होता है या जो वेव कैमरा होता है, वेव कैमरा को हम लोग इनपुट में लेते थे कि आउटपुट में लेते थे? इनपुट में लेते थे। तो फाइनल आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? वेव कैमरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है अब आप लोगों के बीच में, इसमें क्या पूछ रहे हैं? निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियम ऑफ आउटपुट। भैया कौन है भाई आउटपुट का मीडियम? स्कैनर, स्कैनर तो इनपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है, माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड आउटपुट होता है। तो फाइनल आंसर विल बी प्रिंटर। मार्क करते जा रहे हो ना क्वेश्चन नंबर के साथ, आप लोग मार्क करते जाइए, ठीक है। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। अरे अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? चलो देखो, अभी प्रिंटर प्रिंटर पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है प्रिंटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में उस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल में बड़े सारे थे भाई, डॉट प्रिंटर था, गोल्फ बॉल प्रिंटर था, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था, ये सारे के सारे जिसमें एक बोलना चाहिए हैमरिंग होती है कागज को, जो उभरे हुए अक्षर रहते हैं और बीच में रिबन रहता है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में आके अक्षर वहाँ पर उकेरे जाते हैं, छापे जाते हैं, ऐसे प्रिंटर को इंपैक्ट प्रिंटर का नाम देते हैं। फिर एक था नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को आप लोग हमेशा याद रखो, तीन ही याद रखना है, इनको छोड़ के बाकी सारे प्रिंटर को आप लोग इंपैक्ट प्रिंटर में डाल देना। नॉन इंपैक्ट में याद रख लेना कौन कौन, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और कौन, थर्मल प्रिंटर, जिसमें इंकजेट और जो थर्मल प्रिंटर है ये दोनों कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल है, ठीक है, और जो लेजर प्रिंटर है ये पेज प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इतना ही डाटा याद रखो दिमाग में, प्रिंटर के सारे सवाल बनने वाले हैं, जो मैंने अभी बोला बस उसको दिमाग में रख लेना। पूछा गया था कौन सा एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, डॉट मैट्रिक्स होगा इंपैक्ट, लेजर प्रिंटर ऑप्शन में है, मैंने तो बोला ना लेजर, इंकजेट और थर्मल, ये तीन ऐसे प्रिंटर हैं जो नॉन इंपैक्ट हैं, बाकी सारे के सारे इंपैक्ट प्रिंटर में ही डाल देना, हो गया कहानी खत्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से मार्क कीजिए आप लोग और अपने आंसर को लॉक करके रखिए, फिर कंप्यूटर महा से बताएंगे कि आपको क्या आंसर सही आया कि नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? इस बार इंपैक्ट प्रिंटर पूछ दिया है, लेजर होगा क्या,
नहीं, लेज़र तो नॉन इम्पैक्ट का एग्जाम्पल था, इंक जेट भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल था। इसमें लिक्विड स्याही यूज़ होती है, इसमें सूखी स्याही यूज़ होती है, ये फ़र्क है बस। और ये कैरेक्टर पर सेकंड पे काम करता है, और ये पेज पर सेकंड पे काम करता है, PPM पे, पेज पर मिनट या पेज पर सेकंड पे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? सबको पता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अपने आप में एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो होप्स वो सबके सही आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो ईमानदारी से क्रॉस करो, टेस्ट चल रहा है ऐसा मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 27 आपके बीच में आ चुका है कि किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है, बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है, मतलब इसमें इम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है घुमा फिरा के, ठीक है। विदाउट मैकेनिकल प्रेशर बन रहा है, मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रेशर प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ऑप्शन में, तो वही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, विच वन इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर? कौन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो इम्पैक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने तीन ही एग्जाम्पल बोला, आप लोग याद रखो, यही ट्रिक है, नॉन इम्पैक्ट को याद रखो, बाकी सारे इम्पैक्ट में चले जाएंगे। नॉन इम्पैक्ट में कौन? थर्मल, लेजर और इंकजेट। तो क्या इसमें से तीनों में से कोई एक है क्या? बिल्कुल है, थर्मल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बिकॉज वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके बीच में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, इंकजेट, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों तो नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल होते हैं, आपसे पूछा गया था विच वन इज द इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर, तो वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। चाहे डॉट प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक्स हो, चैन प्रिंटर हो, बार प्रिंटर हो, ड्रम प्रिंटर हो, ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जाम्पल में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, विच वन इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट प्रिंटर? प्लॉटर है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, दिस बोथ आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये तो प्रिंटर का टाइप ही नहीं है, वो तो अलग आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 31, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, थ्योरी हमने पहले से पढ़ रखा है काफ़ी डिटेल में, और मुझे लगता है जिसने भी मेरे वीडियोस की थ्योरी पढ़ी होगी, एक सवाल आप लोग का अभी तक गलत नहीं हुआ होगा। सब कुछ तो इतना पढ़ा दिया जाता है कि बाहर से आएगा नहीं, और जितने सवाल करा रहा हूँ ना, ये पहले से किसी न किसी एग्ज़ाम की शुभ बढ़ाए हुए क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, अलग अलग, चाहे व्यापम में, चाहे PSC में, इंक्लूडिंग UPSC ऑल्सो, उसके भी क्वेश्चन में टाइम टू टाइम डाल देता हूँ, ठीक है। तो उस लेवल पर काम होता है, तब हमें श्योर रहते हैं कि हाँ जो होगा अब भला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है, डील कीजिए कि कौन सा लेजर प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है पूछा गया था, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्लॉटर को तो हटा दो, ये अलग है, इंकजेट तो नॉन इम्पैक्ट में आता है, लेजर भी नॉन इम्पैक्ट में आता है, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंटर, ये सब हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के ही कैटेगरी में आते हैं, तो इसका थोड़ा कंफ्यूज करना है, यहाँ लेजर बस डाल दिया, इसको हटा दोगे अगर, ऐसा पूछा गया था कौन सा प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अब सवाल सही हो गया। तो ये तो नॉन इम्पैक्ट की एग्जाम्पल है, इनके अलावा एक और आता है थर्मल प्रिंटर, वो भी नॉन इम्पैक्ट रहता है, ये नॉन इम्पैक्ट का ही तीन याद रखो, थर्मल, लेजर, इंकजेट, बाकी जो दिखता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जाम्पल माना जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। प्रिंटर में मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों का कभी कोई सवाल गलत होने वाला है, देख लो अगला सवाल भी प्रिंटर का आएगा, सटाक से आंसर बता दो, इम्पैक्ट प्रिंटर वा है कौन है भैया इम्पैक्ट प्रिंटर, जल्दी से, इंकजेट इम्पैक्ट है क्या? बार बार बोला, तीन याद रखो, बाकी सारे सवाल बन जाएंगे। लोग क्या करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को छोड़ के ना इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल रटते रहते हैं, अरे भैया काहे जरूरत है, नॉन इम्पैक्ट याद रखो, इम्पैक्ट अपने आप तैयार हो गया, 10 एग्जाम्पल काहे रटोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स भी इम्पैक्ट है, ड्रम भी इम्पैक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, सी, जिसने सी मारा होगा बधाई के पात्र हैं भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट करके भी बताओ मुझे कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर, यही बात में इसी का एक एग्जांपल में इसी टाइप का आता है, एक गोल्फ बॉल प्रिंटर, ठीक है, कह रहे थे डेजी व्हील का पूरा डायग्राम दिखाया था मैंने आप लोग को जब मैं इसका थ्योरी पढ़ाया था, तो
कि पूरा एकदम व्हील टाइप का रहता है मेटल या प्लास्टिक का, उसके चारों ओर क्या रहता है लेटर सुकेरे रहते हैं, फिर ड्रम रहता है, रिबन रहता है, सब रहता है, और बीच में कागज उस पर काम करता है हैमरिंग करने के बाद। तो डेजी बिल प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? मैट्रिक्स प्रिंटर का, इंकजेट का, लेजर का, इम्पैक्ट का। तो दीज थ्री आर, अच्छा सॉरी, डेजी बिल प्रिंटर भी किसका एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ये तो नॉन इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट का। डेजी बिल मैंने बोला ना, नॉन इम्पैक्ट के याद रह गए तीन, उनको छोड़ के जो आ जाता है सब इम्पैक्ट में डाल देना। गोल्फ वॉल प्रिंटर है एक, क्या है गोल्फ वॉल प्रिंटर? ठीक है, लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है कि लेजर प्रिंटर का एग्जाम्पल है कि डेजी बिल? अभी अभी मैंने बोला था कि डेजी बिल प्रिंटर ही का ही एग्जाम्पल है कौन? गोल्फ वॉल प्रिंटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है वो, तो जिनने भी लगाया होगा वो सही, अगर जिनके हैं सब बधाई के पात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन में है लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, सबको पता है नॉन इम्पैक्ट तो याद आ गया तीन, त्रिदेव, इंकजेट, लेजर, थर्मल। ठीक है, तो भैया इसमें तो दोनों के दोनों ही इंकजेट हो चाहे लेजर हो, दोनों के दोनों ही नॉन इम्पैक्ट है, इसलिए फाइनल आंसर क्या लेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी। होप सो सभी के ये क्वेश्चन भी सही हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देख रहे हो कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील हो रहे हैं। ठीक है, ये समझ लो एक टेस्ट की तरह ही चल रहा है, हमेशा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू अब जब भी लगाऊंगा ना तब आप लोग को इसकी तरह टेस्ट की तरह ही लेना है। पहले थ्योरी पढ़ के रखना, फिर ऑब्जेक्टिव में रिविजन विजन करके बैठना और अपना सेल्फ आकलन करना, स्व आकलन। निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है, ये थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया गया था। दो ही हिस्से होते हैं, एक होता है रिबन होल्डर और दूसरा होता है ड्राइव बेल्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, दोनों ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जांपल है, उसके डायग्राम के साथ मैंने वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। फिर पूछा गया है शुरुआती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड में कितने पिन होते थे? तो याद रखना शुरुआती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कितने होते थे? 9 पिन होते थे, बाद में ये 17 से लेकर 24 तक होते हैं। ये सारा थ्योरी आप लोग को पहले से कवर करवाया गया है, ठीक है, और आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 38, बरसात हो रही है ना क्वेश्चन की एकदम बमबारी, खत्म ही नहीं हो रहे सवाल, एक एक क्वेश्चन मिसाइल बन के आ रहा है और आप उसको एकदम फ्यूज करते जा रहे हो। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है, तो आप सब लोगों को पता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर पर सेकंड में, किसमें? कैरेक्टर पर सेकंड या कैरेक्टर पर मिनट में लेना है, लाइन पर सेकंड में नहीं लेते हैं, बिकॉज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल है। ठीक है, लाइन प्रिंटर के एग्जांपल को भी याद रख लेना, मैं बता देता हूं। कैरेक्टर प्रिंटर में देखो आपको हमेशा क्या करना है, पेज प्रिंटर में एक ही एग्जांपल है, दैट इज द लेजर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर मतलब लाइन पर मिनट वाला, जो एक बार में एक पूरा लाइन जो प्रिंटर लेते हैं उसमें आप तीन चार एग्जांपल याद रखना। एक आता है आप लोग का चैन प्रिंटर, फिर आता है आप लोग का बार प्रिंटर या उसी को हम लोग पट्टिका प्रिंटर भी बोलते हैं, और तीसरा आता है हमारा ड्रम प्रिंटर। ये लाइन में रखना, और पेज वाले में तो लेजर प्रिंटर था, बाकी इनको छोड़ के सारे किस में आ जाएंगे? कैरेक्टर प्रिंटर में। मतलब कि कैरेक्टर प्रिंटर में इंपैक्ट वाले भी आते हैं, नॉन इंपैक्ट वाले भी आते हैं। नॉन इंपैक्ट में से दो आते हैं, इंकजेट और थर्मल, दोनों कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल है। बाकी इंपैक्ट वाले में देखोगे तो ड्रम, डॉट मैट्रिक्स, सॉरी ड्रम बोल दिया मैंने, डॉट मैट्रिक्स, डॉट प्रिंटर, डेजी बिल प्रिंटर, ये सब के सब, गोल्फ वॉल प्रिंटर, सब के सब कहाँ हैं? कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल होंगे। होप सो ये पूरी बात आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, जिन्होंने थ्योरी पढ़ा होगा उनको एक बार में चीज़ें अच्छे से रिपीट हो रही होंगी, रिविजन हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक हार्ड कॉपी बनता है, हार्ड कॉपी कहाँ बनता है भाई? लाइन प्रिंटर में बनता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बनता है, प्लॉटर में बनता है, सभी में बनता है। तो भैया हार्ड कॉपी ना ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस देते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आउटपुट डिवाइसेस को दो भाग में बांटते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जिसमें मॉनिटर लेते हैं, अपना प्रोजेक्टर लेते हैं, और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जिसमें प्रिंटर लेते हैं, प्लॉटर लेते हैं। तो ये दोनों तो प्रिंटर के एग्जांपल हो गए, ये प्लॉटर हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दिस। ठीक है बबुआ, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा अलीबाबा का 40वां चोर। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता दीजिए, मार्क करके रख लीजिए। किस प्रिंटर का उपयोग पोस्टर तथा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए किया जाता है? पोस्टर वर्ड आया ना तो तुरंत समझ जाना प्लॉटर का यूज होगा।
क्या होगा? प्लॉटर। तो प्लॉटर जिसने भी मार्क किया है वो अपने आप को सही कर लें, बाकी लोग गलत कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं मार्क किया होगा उनका कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में किसका हार्ड क्वालिटी कैड सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, अगेन प्लॉटर आया, कहानी खत्म। ग्राफिक्स या हार्ड, जो बड़े ऑपरेशन होते हैं ना जिनमें प्रिंटर नहीं काम करे वहां प्लॉटर काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है ड्रम बीट, इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स। तो आपने इंकजेट भी सुना है, लेजर भी सुना है, ये लोग नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है, ये इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है, और ये कोई प्रिंटर का एग्जांपल नहीं है। तो आपसे पूछा गया था विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रिंटर, कौन होगा? वो ड्रम बीट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, देख रहे हो कितने सवाल आ रहे हैं भाई, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल करता है? आयोनाइज्ड इंक, इंक कार्टिज, पेंट और टोनर कार्टिज। तो याद रखना, लेजर प्रिंटर में ना बेसिकली हम लोग आयोनाइज्ड इंक का यूज करते हैं, इसलिए इसको सूखी स्याही का भी नाम से जाना जाता है। नहीं नहीं, शायद आयोनाइज्ड इंक ना थर्मल वाला करता है मेरे ख्याल से, फिर वो लेजर में टोनर कार्टिज यूज होगा, सूखा इंक में क्या हो जाएगा? टोनर कार्टिज। देख लेना इसको थोड़ा सा सर्च करके। नेक्स्ट, डेली व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो डेली व्हील प्रिंटर जो रहता है, आप सब लोग को पता है यही डेजी व्हील से बाद में गोल्फ बॉल बन जा रहा था, और ये किसके एग्जांपल हैं? तो भैया ये इंपैक्ट प्रिंटर दिख रहा है, तो ये इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हो गए, बात खत्म। ठीक है, थर्मल और लेजर तो होगा नहीं, वो तो नॉन इंपैक्ट के एग्जांपल है। नॉन इंपैक्ट में तीन ही एग्जांपल है, थर्मल, लेजर और इंकजेट। लेजर प्रिंटिंग प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रिंटर होता है? तो बबुआ से क्वेश्चन पूछ दिया है। अच्छा, लेजर प्रिंटर इस बार ना कोई इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट नहीं डाला है, और मैंने आप लोगों को बता दिया लेजर प्रिंटर अकेला एग्जांपल है किसका? पेज प्रिंटर का। तो आंसर क्या हो गया? पेज प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में किसको किसको याद करना था? याद करो अभी अभी, लाइन प्रिंटर में मैंने क्या क्या एग्जांपल बताया था? चैन प्रिंटर, बार प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, सब लाइन प्रिंटर के एग्जांपल थे। ठीक है, नेक्स्ट है डीपीआई प्रिंटर में डीपीआई किसको दर्शाता है? तो नाम से याद रखना, डी से डॉट्स पर इंचेस। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ गया? डॉट्स पर इंचेस। चलिए, तो आज का हमारा ये ऑब्जेक्टिव सेशन जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे था, टोटल 46 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, 46 के आसपास हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोग के कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हुए, मतलब आपके आउट ऑफ 46 जितने सही हो रहे हैं उसको ही टोटल मार्क्स मान लो, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा हटा दो, नेगेटिव मार्किंग मत करो, टोटल आपका कितना सही हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुद का खूब ख्याल रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हैव अ वेरी ग्रेट डे। जय हिंद।